तो दोस्तों, स्वागत है आपका हेम सिंह टेक्निकल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टिफिनिंग का एक राउटर जो कि इंटेल बेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेल की बैचिंग भी दिखाई देगी आपको। इंटेल बेस टिफिनिंग का राउटर है। इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको इसके चार इंस्टॉलेड एंटीनास ओपन करने हैं, कुछ इस डायरेक्शन में। चारों एंटीनास को आपने डायरेक्शनली सेट कर देना है। उसके बाद आपको बैक साइड पर दिखा दें, इस राउटर में आपको एक पावर पॉइंट मिलेगा। पावर कनेक्शन को प्लग करने के लिए यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच है, एक वैन का पोर्ट है जिससे डेटा आएगा, चार लैन के पोर्ट है। आपको बता दें ये सभी के सभी पोर्ट्स 1000 Mbps कनेक्टिविटी है। एक USB है 3.0। उसके बाद एक है रीसेट का बटन, एक LED का और एक वाईफाई का। ये बटन्स आपके सामने मिलेंगे और जैसे आप इस राउटर को पावर देंगे, अभी आपको पावर देकर दिखा देते हैं। ये हमने इस राउटर को पावर्स दे दिए। तो जैसे ही यहाँ पे पावर देंगे, इसके बाद राउटर को आपको ऑन ऑफ करना है। जैसे आप राउटर को ऑन करेंगे, सभी के सभी चारों LEDs ऑन हो जाएंगे। पहले एक LED ब्लिंक करेगी, उसके बाद बाकी के सभी LEDs ब्लिंक करना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं एक LED ब्लिंक कर रही है, बाकी की ब्लिंक नहीं कर रही है। अभी राउटर बूटिंग मोड पर है। ये देखिए ब्लिंक करने लग गई LEDs और अब बाकी की LEDs आना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ समय लगेगा इस स्टेप के अंदर। जब आपका राउटर ब्लिंक होगा, सभी की सभी तीन LEDs आपके पास आ गई है। आप देख सकते हैं राउटर पे तीनों LEDs ब्लिंक होना शुरू हो गई है। इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना बेहद ही आसान है। इस राउटर के बैक साइड पर अगर हम जाएंगे तो आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ मिलेगा TP-Link की तरफ से। हम इसका वीडियोस यहाँ पे पंच कर देंगे और पिक्चर्स भी लगा दी जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ बैचिंग है। यहाँ पर आपको इस राउटर की ऑलरेडी आपको SSID, उसका पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट आया राउटर का, वो बैचिंग में मिल जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो मोबाइल स्क्रीन पर आपको आते ही एक ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का नाम है TP-Link। तो जैसे आप TP-Link की ऐप लाएंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो ऐप दिखाई देगी TP-Link। इस ऐप को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आपको इंस्टॉल इसे करना है। ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल करोगे आप, सॉरी ऐप ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको वाईफाई में जाना है और आपको वाईफाई के अंदर वाईफाई सिग्नल मिलेंगे। जैसे अभी मैंने अपना सिग्नल कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर TP-Link 0598 5G और TP-Link 0598 की दो रेंज मिलेंगी। इसमें हम 5G फोन है तो 5G की रेंज कनेक्ट कर लेंगे, अगर 4G फोन है तो 4G भी कनेक्ट कर लेंगे। इस रेंज से आपको सबसे पहले कनेक्ट हो जाना है। इस रेंज पर आपका इंटरनेट सर्विस नहीं होगी, बट राउटर इससे आपका कनेक्ट हो जाएगा।
राउटर कनेक्ट करने के बाद आपने जो पहले ऐप डाला था ये वाला, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप राउटर पर ये ऐप डालेंगे तो आपका जो राउटर है AX15 ये कनेक्ट हो जाएगा। आपको इस राउटर के अंदर जाना है, इसमें लॉग इन का पेज आएगा। सबसे पहले आपको अपनी मर्जी से एक पासवर्ड लगा लेना है। मान लीजिए मैंने पासवर्ड लगा लिया admin@1234। इस तरह से आप पासवर्ड को देख भी सकते हैं। मैं इस राउटर का पासवर्ड सेट करने जा रहा हूँ, admin@1234। देन क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके राउटर पे कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए किसी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल से ऐप के जरिए भी इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन आपसे पूछा जाएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। अगर आपका बैकएंड वाला राउटर DAC पे प्रोवाइड कर रहा है तो आप डायनेमिक IP लीजिए, और जो वायर है उसको कहां कनेक्ट करेंगे, इस तरह से मेरे पुराने जो बैकएंड से मेरा नेटवर्क आ रहा है वो वायर मेरे पास है, उस वायर को मुझे कहां कनेक्ट करना है, इस राउटर के ब्लू वाले पॉइंट पर, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। वायर को कनेक्ट करने के बाद आपके राउटर पे इस तरह का इंडिकेशन आएगा, ये वाला LED जो किस कलर में आ रहा है, ब्लू ऑरेंज कलर में। तो अगर आपका राउटर बैकएंड से IP प्रोवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे डायनेमिक IP लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे मैक के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे डू नॉट चेंज करके नेक्स्ट कर देना है, तो आपके राउटर को IP मिलने शुरू हो जाएंगे बैकएंड से। देन इसके बाद आपने जो 2.4 GHz है उसकी नेटवर्क SSID तैयार करनी है। अभी मेरा वाईफाई ऑफ हो गया, TP-Link से हट गया, तो मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। ये अभी दोबारा देखिए TP-Link 598 से कनेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको इंटरनेट दे दिया था, उसकी वजह से ये हुआ है, कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इस पे इंटरनेट फैसिलिटी आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट है वो ग्रीन हो गई है, इसको इंटरनेट मिल गया है। अभी हमें दोबारा ऐप में जाना होगा, हमने राउटर को खोलना है और हमें जो हमने डायनेमिक ऑप्शन लिया था वहां से इसको इंटरनेट, ये जो डायनेमिक है यहाँ से इसको इंटरनेट फैसिलिटी मिल गई है। नेक्स्ट करेंगे, डू नॉट चेंज नेक्स्ट। यहाँ आप SSID बनाएंगे, जो TP-Link बाय डिफॉल्ट बनी हुई है आप कुछ भी बना सकते हैं। मैंने बनाया HS 2.4, ये 2.4 GHz की है, इसका पासवर्ड बना लीजिए। मान लीजिए मैंने लग दिया admin@1234। देन हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट ये 5 GHz रेंज के लिए बारे में पूछेगा, आप फिर उसकी रेंज डिजाइन कर सकते हैं HS 5 GHz। देन पासवर्ड वही आएगा, आप चाहें तो 5 GHz का पासवर्ड डिफरेंट भी रख सकते हैं। देन नेक्स्ट कीजिए। आपको सारी समरी आ रही है इंटरनेट कनेक्शन कैसे आ रहा है डायनेमिक IP में। अगर आपका स्टेटिक IP है तो आप स्टेटिक IP लीजिए, अगर आपका ब्रॉडबैंड है तो आप POP ऑप्शन लेंगे। देन अप्लाई कर दीजिए, आपका राउटर अप्लाई और सेटिंग करेगा और कॉन्फ़िगरेशन करके लाइव हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, इस राउटर की ऐप आती है, इस ऐप को आप कनेक्ट कर सकते हैं और राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर TP-Link के तीनों लाइट्स आ गई हैं। जो हमारी फर्स्ट लाइट है वो पावर की है, देन हमारी जो लाइट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे, देखिए ये राउटर कनेक्ट टू नेटवर्क हो गया है और
दोनों SSIDs बन गई है, उनके पासवर्ड भी बन गए हैं, एंड गो टू वाई फाई सेटिंग एंड आई एम कनेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा नेटवर्क से। जैसे आप ये सभी सेटिंग कर देंगे तो आपका राउटर अब कनेक्ट होने के लिए कहेगा, तो आपको कनेक्शन में जाना है, आपको दोबारा इससे कनेक्ट होना पड़ेगा जो SSID और नेटवर्क आपने बनाए हैं। देखिए 5 GHz हमने पासवर्ड रखा था admin@1234 देन कनेक्ट। तो हम इस राउटर से जुड़ गए हैं, आप टॉप पर देखेंगे Wi-Fi 6 इनेबल है, ये Wi-Fi 6 का बैचिंग आ रहा है और अब आप एप्स को खोल के देख सकते हैं आपका राउटर कनेक्टेड आ रहा है। टेस्टिंग नेटवर्क कनेक्शन है, कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गए। इस तरह से आप अपने TP-Link AX50 को कनेक्ट कर सकते हैं। ये बाइंड के लिए कहेगा TP-Link प्लीज बाइंड टू रिमोट मैनेजमेंट, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। रिमोट मैनेजमेंट इसमें क्या फंक्शन है, आप अपने राउटर को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको TP-Link वेबसाइट पर जाके एक ID बनानी पड़ेगी और यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखेंगे होम, जितने आपके क्लाइंट कनेक्ट है, होम केयर, इसमें कुछ पेरेंटल कंट्रोल, एंटीवायरस, QoS है, टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे क्लाउड मैनेजमेंट के लिए इसमें TP-Link ID है, ये TP-Link ID। TP-Link ID में जाके आप बाइंड कर सकते हैं, जैसे मेरी ID बनी हुई है, इस ID पे मैं इसको बाइंड करना चाहूँ तो बाइंड, मेरी ऑलरेडी TP-Link क्लाउड पे ID बनी हुई है तो आप भी बना सकते हैं और इसको फिर आप रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी आप वायरलेस में जाके अपनी SSID देख सकते हैं, उसके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, देन आप इंटरनेट कनेक्शन में आके भी देख सकते हैं, डायनेमिक IP कनेक्शन टाइप है, स्टेटिक्स ले सकते हैं, स्टेटिक होता है अगर आपके पास बैकेंड से रियल IP है तो, डायनेमिक IP लेंगे जब DHCP IP मिल रहा हो आपके बैकेंड नेटवर्क से वैन पोर्ट पे, PO PPO लेंगे अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो तो, PPO लेने पे आपको यहाँ पे ब्रॉडबैंड वाली तार लगानी होगी और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर से जो यूजर नेम और पासवर्ड मिलेंगे वो आपको एंटर करना है। ये था आपका TP-Link राउटर का ऑपरेशन वाया ऐप के थ्रू। थोड़ा सा राउटर पे आपको दिखा दें, अभी हम आपको राउटर पर भी दिखा दें, राउटर की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला इंडिकेशन है आपका पावर का, ये पावर का इंडिकेशन है, देन आपका इंडिकेशन है सेकंड LED है वाईफाई के लिए, देन आपकी है वाईफाई 5 GHz के लिए, देन आपकी LED है इंटरनेट के लिए अगर आपका इंटरनेट चल रहा कि नहीं। ये वाली LED ब्लिंक होगी अगर आप इसमें आगे कोई लैन पॉइंट लगा के, जो 4 पॉइंट है उस लैन पॉइंट यूज करोगे, देन LED आएगी आपकी USB के लिए। अगर आप इसके अंदर एक और खासियत है USB 3.0, आप इसमें कोई भी हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव लगा के उसको अपने जितने भी नेटवर्क में डिवाइस है वहाँ पे एज ए क्लाउड सर्वर यूज कर सकते हैं, आपकी उस हार्ड डिस्क उस सिस्टम का जो यूजेज होगा वो एज ए क्लाउड यूज होगा। तो हमारे चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम उतनी अच्छी वीडियो बनाएंगे, और हमारे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।